हाई गाइज, आई एम इंशा, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, थैंक्स अ लॉट। एंड जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन विच इज़ देयर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ। एंड या सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस लुक दैट यू आर सीइंग एंड आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दिस लुक फॉर यू गाइज। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो don't forget to give it a thumbs up, and now without wasting much time we'll just get into the video. So we'll begin with this moisturizer. मैं यहाँ पे use कर रही हूँ L'Oreal की anti-ox moisturizer. तो आपको पता होगा ये मेरी one of the favorite moisturizer है, मैं इसको हमेशा use करती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से massage कर लूँगी अभी। मॉइस्चराइजर मसाज करने के बाद मेक श्योर दैट यू लीव इट फॉर 5 मिनट्स, ताकि वो मॉइस्चराइजर जो है आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। मैं यही करती हूँ एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हो तो जस्ट कुछ उसके ऊपर और लगाने से पहले सो जस्ट कीप इट फॉर 5 to 7 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। नाउ फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड ड्यू ल्यूमिनेक्स प्राइमर। सो इससे पहले मैंने जब भी यूज़ किया, आपने देखा होगा मैंने लैक्मे का प्राइमर यूज़ किया, बट दिस इज़ अ ड्यू काइंड ऑफ प्राइमर, क्योंकि वो मैट था तो मुझे एक ड्यू प्राइमर चाहिए था, तो क्योंकि आजकल लुक वैसा है। तो सी इसका कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा है एंड इस पर थोड़ा सा लाइक शिमर आपको दिखेगा, इफ़ यू कैन सी थोड़ा सा शिमरी काइंड ऑफ। तो मैं अच्छे से पूरे फेस में लगा के इसको पूरे फेस में मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ। आई गेस आपको वो शाइन दिख रहा है मेरे स्किन पे ये लगाने के बाद, वो मैट लुक नहीं आ रहा है एंड देयर इज अ लिटिल शाइन इन माय स्किन, यू कैन सी। या सो वंस माय प्राइमर इज डन वी मूव ऑन टू द फाउंडेशन। मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियंस फॉर्मूला के ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्स फाउंडेशन विच इज़ इन द शेड LN3। तो इस फाउंडेशन का रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल पे एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन, बिकॉज एक तो इसमें SPF 20 है एंड देन ये आपके स्किन को मैट नहीं लुक देता। ये इट कम्स विद अ 2 फुट एप्लीकेटर एंड आई अप्लाई इट ऑल ओवर टू माई स्किन। मैं इसको अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी। मेक श्योर जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो अपने नेक पे भी अप्लाई करो, बिकॉज ताकि वो अनइवन ना लगे एंड इट ऑल लुक्स इवन। नाउ विल टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने वेट कर लिया है, मैंने इसको अच्छे से वेट करके इसको अच्छे से निचोड़ लिया है, इसका सारा पानी मैंने सोक कर लिया है एंड देन ताकि ये इसलिए करते हैं ताकि आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो एंड कोई हार्श एजेस ना रहे, कोई लाइन्स ना रहे। So yeah, I'll blend this. And जब भी आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो ना, तो आप उसको ना ऐसे डैप करके ब्लेंड कीजिएगा, जस्ट ऐसे आप रब मत कीजिएगा, बिकॉज तब वो बहुत ही एक स्ट्रीकी काइंड ऑफ लुक दे सकता है, मे बी प्रॉपर लाइन्स पता चल सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू जस्ट डैब इट लाइक दिस। कंसीलर बी यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर करेक्टर एंड दिस इन द शेड लाइट मीडियम, या लाइट और मीडियम बेज। एंड ये कंसीलर मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ मीडियम टू फुल बिल्डेबल कवरेज देता है, सो आई काइंड ऑफ लाइक दिस कंसीलर। एंड ये मेरी स्किन के साथ भी बहुत अच्छे से सूट करता है, सो आई विल अप्लाई दिस कंसीलर ऑन माई यूजुअल एरियाज जहाँ पर मैं यूजुअली कंसील करना पसंद करती हूँ या हाईलाइट करना पसंद करती हूँ। टेक दिस ब्यूटी ब्लेंडर और मैं पहले अपने फोरहेड एंड जो मैंने नोज पे कंसीलर लगाया है मैं पहले वहाँ ब्लेंड करूँगी, ताकि जो मेरे अंडर आइज के कंसीलर है वो थोड़ा रेस्ट हो जाए एंड देन मुझे थोड़ा ज़्यादा कवरेज मिले। सो आई जस्ट कीप इट फॉर फ्यू मिनट्स और मैं पहले ऊपर के कंसीलर्स को ब्लेंड करूँगी। Now I'll use this spoolie and मैं अपने eyebrows को एक अच्छा सा शेप दे दूंगी। For my eyebrows I'm using this Wet n Wild palette और आप जानते हैं मेरे हर वीडियो में मैं यही palette use करती हूँ, because मुझे इसका जो texture है, जो इसका
इसका शेड है मुझे पसंद है. आपको अगर थोड़ा डार्क आईब्रोज चाहिए तो आप ये नीचे डार्क ब्राउन वाली शेड यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो आप ये बीच वाली जो मीडियम ब्राउन है उसको यूज़ कर सकते हो. एंड दिस वाइट वन, इट्स दी वैक्स आपके आईब्रोज को सेट करने के लिए. सो आई जनरली यूज़ दिस मिडिल वन. आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया इसको, बिकॉज मुझे जनरली अपने आईब्रोज नेचुरल रखना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या आईब्रोज करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ. जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ है, आप उसी डायरेक्शन में कोई भी एंगुलर ब्रश लेके, कोई भी ब्रश लेके आप उसको उसी डायरेक्शन में, जैसे मैं अभी इसके साथ जो मुझे ब्रश एप्लीकेटर मिला है, वन साइड स्पूली है एंड द अदर साइड एक एंगुलर काइंड ऑफ ब्रश, आप देख सकते हैं, तो मैं उसी को यूज़ करके कर रही हूँ. सो यू कैन यूज़ दैट. एंड जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ है, आप उसी डायरेक्शन में हल्के स्ट्रोक्स दीजिए. कभी जब आपको लगे कि एक्स्ट्रा हो गया आईब्रोज और वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं लग रहा है, तो आप हमेशा वापस से स्पूली को ऐसे कोम कर सकते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कलर्स या एक जगह अगर कोई भी कलर्स है तो वो अच्छे से बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाए. द सेम कंसीलर और मैं इसको ऐसे लगा ले रही हूँ. एंड आई विल टेक दिस ब्रश और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. And above up the next step करेंगे. And for that I'll use the sugar का setting mist. This is the grand finale highlighting setting mist जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है. So this is the mist. And ये इसमें थोड़े से like glitter particles है, कहीं बहुत ही small tiny miny glitter particles. And मैं अभी compact या कुछ भी लगाने से पहले मैं इस setting spray से अपने face को अच्छे से set कर लूँगी, so that my base is totally set. Because कभी कभी क्या होता है कि हम जब आई मेकअप करने जा रहे होते हैं अपना फेस के बाद या कुछ भी करने जा रहे होते हैं, तो एक मार्क आ जाता है, एक स्टैम्प आ जाता है हमारे फेस पे. शायद बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि यू कैन सी दैट स्टैम्प मार्क, ऐसे हाथ रखते हो और बाद में निकालते हो तो देखते एक अलग सा एक लेयर आपके हाथ में आ गया है, जो कि अपने फाउंडेशन जो भी लगा है वो अब्जॉर्ब नहीं किया है स्किन में. तो इसलिए ताकि वैसा सिचुएशन ना हो, तो इसलिए पहले ही हम उस पर जाने से पहले वील जस्ट fix all the base that we have done. So yeah, hold it from a distance and just spray it all over. And इसको हम dry होने के लिए wait नहीं करेंगे. Just take the beauty blender और इसको अच्छे से dab कर दीजिए. Maybelline का Dream Satin compact and this is in the shade. I'll just tell you the shade. This is in the shade PO1 beige chiffon. You can see the shade number it's here और it's something like this. Now मैं इसको एक dry sponge लूँगी, not the wet sponge. और जहाँ जहाँ मैंने conceal किया था मैं उस areas को I'll pack it. Now with the help of this fluffy brush, just dust off the excess powder which is there on my face. I'll conceal my eyes and then we'll move on to the eyeshadow. Taking this concealer brush and I'm blending the concealer. मैं ये स्टेप इसलिए करती हूँ ताकि जो आपका आई शैडो है वो बहुत ही अच्छे से, उसके कलर्स बहुत अच्छे से उभर के आपके आँखों में. एंड ताकि जनरली आईज का थोड़ा डिस्कलरेशन रहता है फेस के साथ, सो दैट देर इज़ नो डिस्कलरेशन, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस कंसीलर. नाउ वंस माई कंसीलर इज ब्लेंडेड, मैं इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी. नाउ फॉर माई आई शैडो आई एम यूजिंग द रेवोल्यूशन लंदन पैलेट एंड द and both the palettes are from Revolution London. This is the Reloaded Marvelous palettes and these are all matte shades, the shades which I'm going to use today and create my eye look. So yeah, let's begin. I'll take the shade, this blue shade from the palette, and I'll dust off the excess and I'll place it in my inner corner of the eyes. I'll take this green shade from the palette and I'll place it in my outer corner. I'm just blending the green shade with the blue one, ताकि it all looks together and doesn't look separately on your eyes.
एंड मैं इस बार कोई विंग नहीं क्रिएट कर रही हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग इट जितना मेरा आई का एरिया है मैं वहीं तक इस ग्रीन शेड को रख रही हूँ. आई टेक दिस येलो शेड फ्रॉम द पैलेट, आई डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड आई पुट इट ओवर माई क्रीज एंड ब्लेंड इट विद द ब्लू. आई एम डूइंग दिस कट क्रीज लुक एंड उसके लिए मैं ये कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ हाफ कट क्रीज लुक. सो मैं डायरेक्टली कंसीलर ब्रश को यूज़ कर रही हूँ. आपका हाथ अगर इतना बैठा हुआ नहीं है एंड इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज तो आप कोई भी एंगुलर ब्रश ले सकते हैं या तो कोई फ्लैट ब्रश लेके भी आप अपना क्रीज कट कर सकते हैं. टेक दिस फ्लैट ब्रश एंड आई टेक दिस ब्लू शेड फ्रॉम द पैलेट, द शिमरी ब्लू शेड. मैं उसको अच्छे से ले लूँगी अपने दोनों साइड ऑफ द ब्रश में. आई जस्ट डस्ट ऑफ द एक्सेस कलर एंड देन आई प्लेस इट जहाँ पर मैंने अपने क्रीज को कट किया है. सो आई जस्ट प्रेस दिस कलर. आई एम नॉट ड्रैगिंग इट गाइज, आई एम जस्ट प्रेसिंग इट. जस्ट आपको इसको प्रेस करके उसको प्लेस कर देना है. आई टेक दिस ग्रीन कलर और मैं साइड से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी. आई टेक दिस ब्लू शेड फ्रॉम द पैलेट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन मैं अपने उसको लोअर लैश लाइन में ब्लेंड करूँगी. इट्स डन. आई टेक दिस येलो कलर एंड मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी. So eyes are done and then we'll move on quickly to the mascara and for that I'm using this L'Oreal the False Lash Superstar Mascara जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, जो कि मैं आपने देखा होगा कि मैं हर वीडियो में यही यूज़ करती हूँ. So yeah, I'll just क्योंकि I'll apply the falsies, so I'm just giving it one coat. Also always apply the mascara to your lower lashes because वो बहुत ही अच्छे से आपके look को complete करता है. So lashes are done. Then we'll move on to the blush. For that I'm using this Lakme 9to5 Ginger Surprise blush. This is the product. इसका color payoff भी बहुत अच्छा है. Just apply. And then we'll quickly move on to the highlighter and for that I'm using this L'Oreal Illuminator and this is a beautiful highlighter. और ये इसका लिक्विड फॉर्म है तो मैं इसको अपने हाथों से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज इसका ब्लेंडिंग क्योंकि आप इसको जैसे ही लगाते हो ना ये तुरंत सूख जाता है. लाइक इसको फिर ऐसे टाइप के ब्रश से ब्लेंड करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आई ऑलवेज प्रेफर माई कि मैं लगाऊँ और उसको मैं अपने हाथों से तुरंत ब्लेंड कर दूँ. सो या आई टेक दिस अ बिट. इसको कई बार मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में भी यूज़ किया है. उसको लगाना है तो उसको तुरंत अपने हाथों से ही ब्लेंड कर कीजिए. दैट्स माई ओपिनियन. नाउ आई अप्लाई द हाइलाइट ऑन द टिप ऑफ माई नोज. विल क्विकली मूव ऑन टू द लिपस्टिक एंड फॉर दैट आई यूज दीज टू लिपस्टिक्स विच इज़ फ्रॉम Maybelline एंड दिस इज देयर कलर सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक्स. एंड सॉरी आई लव दीज कलर्स. लाइक आपको पता है कि मेरे को कितने पसंद है ऐसे न्यूड कलर्स और मैं हमेशा थोड़े न्यूड लिपस्टिक्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. एंड ऑल्सो आई जस्ट लव टू मिक्स एंड मैच माई लिपस्टिक्स. मैं हमेशा अपने लिपस्टिक्स को मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ. सो आई क्विकली गेट ऑन सम एंड पुट ऑन सम ज्वेलरीज. आई मेक माई हेयर एंड गेट बैक टू यू गाइज. मैं तेनु समझाऊंगी ना तेरे बिना लगना. मैं तेनु समझाऊंगी. सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो विद मी. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय, टेक केयर.